हमने ये देख लिया है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो लोग होते हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आउटसाइड द मार्केट हो सकती हैं या इनसाइड द मार्केट हो सकती हैं, विच इन्फ्लुएंस आर मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू मेंटेन और डेवलप अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. सक्सेसफुल रिलेशनशिप की बात हो रही है कि आपने अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने कस्टमर के साथ और उसको मेंटेन रखना है. जो आपका टारगेट कस्टमर है उसके साथ आपने सक्सेसफुल और अच्छा जो रिलेशनशिप बनाना है उसकी एबिलिटी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हो या इम्पैक्ट कर रही हो बनाने में एबिलिटी को, तो उसको कहा जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. इसको जो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट है ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा हमारा, ठीक है. तो हमने इसको नज़र में रखना है, हमने देखना है कि कितना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है. अगर कुछ अच्छी चीज़ आ रही है तो हम उसे अडॉप्ट करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ आ रही है हम उसको टैकल करने की, उसको मैनेज करने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में कर लें. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये दोनों चीज़ें होती हैं हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी भी होती है, थ्रेट्स भी होती हैं. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं, थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी कैसे? फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि जो हमारे सप्लायर्स हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, वो अगर हमारा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, वो टाइम पे हमारी चीज़ हमें हमारे रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, अगर हमारी फूड का कोई हमारा काम है तो हमें ऑयल या आटा जो भी चीज़ हमें चाहिए हमें वो टाइम पे सप्लाई कर रहा है, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उसे टाइम पे हमारी टारगेट मार्केट तक पहुंचा रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे जो हमारे जो कंपेटिटर्स होंगे उन पे क्या मिलेगी? कंपेटिटिव एज. हमारे जो कस्टमर है उसको टाइम पे चीज़ मिल रही है, हमारी टारगेट कस्टमर तक हमारी चीज़ पहुँच रही है टाइम से, तो हमें हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके ऊपर कंपेटिटिव एज मिलेगा और इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे फेवर में नहीं है, हमारे काम टाइम पे नहीं हो रहे, हमें सप्लायर टाइम पे नहीं आ रही, हमारे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा टाइम पे काम, तो हमारा जो टारगेट मार्केट है उस तक हमारी चीज़ पहुंच ही नहीं रही. जब चीज़ पहुंच ही नहीं रही तो काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो मतलब कि हमारे टारगेट जो कस्टमर है वो हम रिटेन नहीं कर पा रहे, वो हमारे हाथ से जा रहा है. सो ये नेगेटिव पॉजिटिवली दोनों को अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है हमारे लिए, हमारे लिए थ्रेट भी बन सकती है. सो वी हैव टू टैकल इट इन अ वेरी, हमें इसे टैकल और मैनेज करना आना चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट और कैसे इसको हमने करना है हैंडल. मार्केटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसको टैकल कैसे कर सकता है? वो ऐसे कर सकते हैं कि वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करे रेगुलरली, देखे कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, सिस्टमेटिकली एक प्रोसीजर बनाए जिसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करे कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज हैं क्या वो इस इन्वायरमेंट के साथ टैकल या कूप अप कर रही हैं कि नहीं, जो जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं क्या हम उसको प्रॉपरली अवेल कर रहे हैं, हम उसका प्रॉपरली फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई चीज़ चेंज आ रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है, कि उस थ्रेट को हम कैसे ओवरकम करें और उस थ्रेट को हम कैसे हैंडल करें, ये सारा काम होता है एनालिसिस के बाद. तो वो सिस्टमेटिकली और रेगुलरली इन्वायरमेंटल एनालिसिस करें और देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे हम इन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को अवेल कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं दैट मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, इन सब बातों से हमें एक चीज़ पता चली कि इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. एक्सक्यूज मी. तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, हमने सब देख लिया कैसे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं. तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ एक्टर्स एंड which are close to the company that affects its ability to serve its customer. They can be the company, any company, the supplier, marketing intermediaries, customer markets and competitors and publics. कि ऐसे लोग, ऐसे अदारे जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली मतलब कि करीब से क्लोजली इफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, इज नोन एज माइक्रो इन्वायरमेंट. They can be any company, हमारे supplier हो सकते हैं, हमारी marketing intermediaries हो सकते हैं, customer markets हो सकते हैं, competitors हो सकते हैं and public हो सकते हैं. अब ये इतने ज़्यादा हमारे सामने नाम आ गए हैं कि नाम क्या कह रहे हैं कि supplier कौन होते हैं, ये supplier marketing intermediaries कौन होती हैं,
ये जो कस्टमर मार्केट्स हैं ये कौन सी हैं, कंपेटिटर्स क्या हैं, पब्लिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी इट सेल्फ है। कंपनी इट सेल्फ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट, उसका जो इंटरनल सारा जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो हमने अपने पहले पहले भी हमने एक डिस्कस किया था कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है और वो हमारे एबिलिटीज़ को, हमारी मार्केटिंग डिसीजंस को, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो ऑल द सेवरल डिपार्टमेंट्स, ऑल द मैनेजमेंट लेवल्स दैट आर इफेक्टिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग इज नोन एज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें आपके टाइप्स के क्या कहते हैं, आप इसको टैकल कर सकते हैं इजीली, आप इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली, आप देख सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। अगर आपके जो कोई मशीनरी आपकी जो है वो आउट ऑफ यूज़ हो रही है या ख़राब हो रही है, आप उसको ठीक करा लें, या आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो टाइम से काम नहीं कर रहे, आप देखें वो क्यों नहीं कर रहे, आप देखें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको कर रहे हैं, वो मोटिवेटेड क्यों नहीं है, या वो इसका पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरफ से आ सकता है। तो फिर सप्लायर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कोई वो हमारे से खुश हैं, वो हमें टाइम पे सप्लाई पहुंचा रहे हैं कि नहीं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, जो हम मिडल मैन है, एजेंट है हमारे साथ, जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल हमारे कस्टमर तक, टारगेट मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, वो हमारे लिए कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर मार्केट्स के हैं, कंपेटिटर्स के हैं, पब्लिक्स के हैं। ये जो इंटरनल जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी डिसीजंस को, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को करने के लिए, और ये कंट्रोलेबल है, इसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, आपके कंट्रोल में होता है और आप इसको हैंडल ईजीली कर सकते हैं। द कंपनीज माइक्रो इन्वायरमेंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर इज़ द कंपनी, इसमें टॉप मैनेजमेंट आ जाती है, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कंपनी के फेवर में नहीं है, आप उसको चेंज करके, आप उसमें अमेंडमेंट्स करके उसे कंपनी के फेवर में कर सकते हैं। ऐसा फाइनेंस दैट यू हैव इनफ फाइनेंस टू सपोर्ट योर डिसीजंस, योर स्ट्रेटजीज, योर पॉलिसीज, जो R&D डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छी रिसर्चेस कर रहा है, डेवलपमेंट्स कर रहा है, नई नई अमेंडमेंट्स ला रहा है, नई नई क्वालिटीज़ ला रहा है, नई नई आपको प्रोडक्ट में नई नई चेंजेस बता रहा है जो और आपके आपके फ़ायदे की हो सकती हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट अपना काम ठीक कर रहा है, ऑपरेशंस अच्छा काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग सही काम कर रही है। देन कम सप्लायर्स, सप्लायर्स आर दोज पीपल हु प्रोवाइड द रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज टू अस, दे आर ट्रीटेड एज पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू। सो ये हमारे लिए क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं जो हमारी कस्टमर को वैल्यू पहुँचाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। सो अगर हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें जो चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए या कोई भी हमारे जो सप्लाई चाहिए वो हमें टाइमली मिल रही है और उसमें कोई मसला नहीं है, जो सप्लायर्स हैं वो हमसे कोई हमारे लिए थ्रेट नहीं बन रहे, हमारा जो चीज़ है उसको महंगी नहीं कर रहे, आउट ऑफ रेंज नहीं कर रहे या बल्क अप नहीं कर रहे और हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारे उन सप्लायर्स थोड़े हैं और हमने वो अपनी पसंद की कीमत लगा लें, तो ऑब्वियसली हमारा सारा प्रोसेस ख़राब होगा, हमारी कॉस्ट में कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो सप्लायर्स नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये हमारे फेवर में आ रहे हैं या नहीं, अगर नहीं आ रहे हमें कोशिश करेंगे इनको अपने फेवर में लाया जा सके। देन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं मिडल मैन, एजेंट जो होता है, ये क्या होता है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसको मार्केटिंग चैनल भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो आपका होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है आपकी, जो उसकी जैसे रिटेलर हो गया, रीसेलर हो गया, आपके जो चीज़ें हैं उसको आपके टारगेट मार्केट तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपका जो मिडल मैन है आपके फेवर में है, आप अपनी चीज़ें रखवाते हैं कुनौर एंड मैगी, अगर जो मिडल मैन है वो कुनौर के फेवर में है तो वो कहेगा कि कुनौर अच्छा है, कुनौर लें, कुनौर एक अच्छा है, इसका ये फ्लेवर अच्छा है, इसका ये फ्लेवर अच्छा है। या कोई कस्टमर आके पूछता है कि मैगी ज़्यादा बिक रही है, कुनौर ज़्यादा बिक रहा है, तो बता दें कि यार कुनौर ज़्यादा अच्छा बिक रहा है, तो ये क्या कुनौर के फेवर में है। सो ये एक होता है, इसके 4 पार्ट्स हैं, रिसेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज।
सबसे पहले कंपेटिटर्स क्या हैं, रीसेलर्स क्या हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं। रीसेलर्स वो लोग होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट हमसे लेते हैं कम प्राइस में या एक होलसेल प्राइस में लेते हैं और उसको जाके वापस रीसेल करते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपको पेप्सी या कोका कोला पीनी है, तो आप पेप्सी या कोका कोला की फैक्ट्री में नहीं जाते, आपको लेस के चिप्स खाने हैं, आप लेस के फैक्ट्री में नहीं जा रहे होते, आप जो आपके घर के पास शॉप है या आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में जो शॉप है आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ से जाके पेप्सी या कोका कोला या लेस के चिप्स आप परचेज करते हैं और आप खा लेते हैं। सो दीज आर रीसेलर्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो फिजिकली आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज जो आपको फैसिलिटेट कर रही होती हैं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल आपको एक जो बैंक है पहले आपको 10% मार्कअप पे लोन दे रहा था, अब एक और बैंक का आपको पता चला कि वो आपको लोन 7-8% मार्कअप पे लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप ये डिसीजन चेंज करेंगे, एक आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपकी कॉस्ट रिडक्शन आएगी, आप उसको क्वालिटी में डाल सकेंगे वो जो आपको प्रॉफिट होगा। सो इस तरह ये आपको चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं।